बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अपनी रहमतों के साए तले रखे। तो जी दोस्तों, आज मैं जिस ख्वाब का जिक्र करने जा रही हूँ वो है ख्वाब में खुद को अमामत कराते हुए देखना। ख्वाब में खुद को अमामत कराते हुए देखना बेसिकली अच्छा ख्वाब है। अगर ये ख्वाब कोई शख्स देखता है तो इसका मतलब है कि उसके हक में ये ख्वाब बहुत बेहतर साबित होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि किसी कौम का अमाम बना है हालांकि अमाम ना था, तो दलील है कि उस कौम का सरदार होगा और सब उसके ताबा होंगे, जैसे मक्तदी नमाज में अमाम के ताबा होते हैं। और अगर देखे कि एक ग्रोह जमात के लिए तैयार है और उसको कहा कि हमारा अमाम बन, और बादशाह ने उसको अमाम बनने का हुक्म दिया और वो आगे बढ़कर अमाम बना, तो दलील है कि उस मुल्क का हाकम और अमीर होगा और उनके साथ उसी कदर अदल और इंसाफ करेगा जिस कदर के किबला की राजदी और नमाज में रुकू और सजूद की बकायदगी है। अगर देखे कि नमाज से किसी चीज का नुकसान किया है, तो दलील है कि बकदरे नुकसान दर नमाज उन पर जो रो और जुल्म वगैरह करेगा। हजरत इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर कोई देखे कि बैठकर अमामत करता है तो दलील है कि बीमार होगा, और अगर पहलू पर बैठा है और नमाज में कोई चीज़ है तो दलील है कि जल्दी मरेगा और लोग इसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। और अगर अमाम को ख्वाब में देखे तो दलील है कि अमाम की कदर और मर्तबे के बराबर इज्जत और शर्फ पाएगा। और अगर देखे कि अमाम को वलायत दी है या अमाम के साथ घर में क्या है, या अमाम ने उसको कुछ बख्शा है, या फिर उसने अमाम के साथ खाना खाया है, तो दलील है कि उसी कदर उसको गम और अंतवा पहुंचेगा। हज़रत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स देखे कि अमाम के साथ जहाद में था, तो दलील है कि दौलत और वलायत में इसके साथ शरीक होगा। हज़रत इस्माइल अशअस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि जिस चीज़ को अमाम से अपने अंदर ज़्यादा देखे वलायत और बुजुर्गी में ज़्यादा होगा, और जो कुछ अमाम अपने अमाम में कमी में देखे उसी कदर माल और नेमत में नुकसान होगा। हज़रत जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में अमामत करना 6 वजह पर है। नंबर 1 हुकूमत, नंबर 2 अवल अदल और इंसाफ के साथ बादशाही, नंबर 3 इल्म, नंबर 4 नेक काम का अरादा, नंबर 5 मनफत, नंबर 6 दुश्मन से अमन। और जो शख्स ख्वाब में औरतों की अमामत करता हुआ अपने आप को देखे, दलील है कि ज़ईफ़ लोगों पर हाकम होगा। और अगर देखे कि अमाम आसमान से उतरा है और वो जमात का अमाम बना है, तो दलील है कि उस ज़मीन पर खुदा ताला की रहमत नाजल हुई है। और अगर मुर्दे की नमाज पढ़े तो दलील है कि बादशाह से हुकूमत पाएगा। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे आज के ख्वाब की तबीर की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे ख्वाब की तबीर की समझ आ जाती है और आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद आपके लिए ख्वाब की तबीर लेके आ सकूँ। थैंक यू। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आपने किसी भी किस्म की ख्वाब की तबीर पूछनी है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में या फेसबुक पेज के मैसेज सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके ख्वाब की तबीर बताने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।